नमस्कार दोस्तों, आपको आज आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जय। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का मतलब एपिसोड 7 के बारे में। तो बेसिकली जो है आज का मतलब एपिसोड 7 का जो ऑफिशियल वीडियो है वो यहां पे आ चुका है। एक घंटे पहले YouTube में पोस्ट कर दिया है यहां पे रियलमी ने। और अगर आपको वो ऑफिशियल वीडियो देखना है तो मैं जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके जो है वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन वो फिलहाल इंग्लिश वर्जन में है। यहां पे मैं जो है इसका हिंदी वर्जन लेके यहां पे आ चुका हूं। तो अगर आपको देखना हिंदी तो आप इसी वीडियो को देखते रहिए। फिलहाल मैं बता दूं, जो आज मतलब जो एपिसोड होता है ये बेसिकली यूज़र जो है, जो रियलमी के यूज़र्स होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल में जाके जो है क्वेश्चन करते हैं माधव सेठ से, और उसका जो आंसर है माधव सेठ दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, तो वो है यहाँ पे कुछ जो है र्यूमर्स आ रहे थे कुछ दिनों से, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि अगला फ़ोन जो है रियलमी का वो यहाँ पे होने वाला है रियलमी का 4 प्रो, रियलमी एक्स नहीं। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे माधव सेठ ने बोला है कि कुछ दिन बाद जो है आपको पता चल जाएगा ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फिलहाल हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे रियलमी 4 प्रो यहाँ पे नहीं आने वाला है, यहाँ पे रियलमी का एक्स ही जो है वो आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ट्विटर पे माधव सेठ ने खुद ही पोस्ट करके बताया कि रियलमी एक्स का एक स्पाइडरमैन जो है स्पाइडरमैन वेरिएंट भी आने वाला है, स्पाइडरमैन एडिशन बेसिकली। तो यहाँ पे रियलमी एक्स ही आएगा, रियलमी 4 प्रो तो अभी दूर की बात है। और वैसे भी पहले रियलमी 4 आएगा फिर ना 4 प्रो आएगा, तो सबसे पहले यही तो बात है। तो रियलमी एक्स ही अभी नेक्स्ट आने वाला है। यहाँ पर अगर बात करते हैं अगले सवाल की, तो यहाँ पे है कि रियलमी यार टाइम टू टाइम अपडेट नहीं देता है। ऐसा वो क्यों करता है, क्यों यार टाइम टू टाइम क्यों अपडेट नहीं देता? तो यहाँ पे आंसर ऐसा है कि रियलमी टाइम टू टाइम ही अपडेट देता है। और यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो है डिटेल में बताया कि जो बीटा अपडेट होता है वो यहाँ पे पहले आता है। मतलब मान लो कि जब भी कोई एकदम मेजर अपडेट आता है, जैसे कि एंड्रॉयड का अपडेट, एंड्रॉयड 9 पाई का जब भी ये अपडेट आया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, बीटा आया। उसके 3 हफ्ते बाद मतलब 3 वीक्स बाद जो है इसका स्टेबल अपडेट रोल आउट होना शुरू होगा। उसके 20 दिन के अंदर जो है सारे यूजर्स को ये अपडेट मिलेंगे। तो आप पकड़ के इतना चलो कि जब बीटा अपडेट मतलब आएगा उससे 1 महीने के बाद जो है आपको स्टेबल अपडेट मिलेगा, इतना पकड़ के चलो। इसी मतलब जैसा देख सकते हो रियलमी 2 प्रो में 15 मई को बीटा आया था, उसके बाद उसके 3 हफ्ते बाद जो है स्टेबल का अपडेट रोल आउट हुआ, और उसके 20 दिन बाद जाके जो है सभी को ये अपडेट मिल गया। तो यही था अपडेट का प्रोसेस जो कि रियलमी ने खुद बताया यहाँ पे। यहाँ पर हम बात करते हैं अगले अपडेट की, मतलब अगले सवाल की, तो वो है यहाँ पे टाइम स्टैम्प को लेके कि रियलमी के जो कैमरास होते हैं उनमें क्या हमें आगे जाके टाइम स्टैम्प का ये मोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे माधव सेठ बोलते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, आपको जो है टाइम स्टैम्प का मोड मिल जाएगा कैमरे के अंदर। Q3 में एक अपडेट आएगा, OTA का अपडेट Q3 के एंड में, यानी आप मान लो कि सितंबर के महीने पे एक अपडेट आएगा जिसके चलते जो है आपको टाइम स्टैम्प मोड मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, तो वह है यहाँ पे कैमरा के नए तरीके के UI को लेके, जहाँ पे Realme 3 Pro के अगर आप कैमरा आपको देखे हो तो वहाँ पे जो आपको एकदम ब्रांड न्यू UI देखने को मिल जाता है कैमरा ऐप के अंदर। तो क्या वो वही UI हमें बाकी डिवाइस पे भी मिलेगा ColorOS 6 के साथ में? तो यहाँ पे माधव सेठ बोलते हैं कि बाकी का तो पता नहीं, इन्होंने सिर्फ बोला है Realme 1 और Realme U1 का कि आपको जो है इन दोनों डिवाइस पे नई तरीके की कैमरा का UI मिल जाएगा ColorOS 6 अपडेट के बाद में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो है यहाँ पे इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को लेके, जहाँ पे बोलते हैं कि जो Realme की डिवाइस है यहाँ पे क्या हमें फ्यूचर में इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। मतलब होता है क्या है, हम जब पबजी खेलते हैं तो वहाँ पर जो हम फायर करते हैं ना, गन की साउंड जो आता है वो बेसिकली रिकॉर्ड नहीं होता। हम बाहर से रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते, लेकिन अंदर की साउंड यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो चीज़, तो हाँ माधव सेठ ने कहा कि बिल्कुल ये भी आएगा, कुछ दिनों बाद ये अपडेट जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, जहाँ पे बोला है कि डार्क मोड को लेके कि रियलमी के डिवाइस में डार्क मोड आएगा कि नहीं आएगा। आपको तो बताइए डार्क मोड का मतलब अभी ज़माना चल रहा है, काफ़ी लोग जो है MIUI भी डार्क यहाँ पे पुश कर चुका है, एंड्रॉयड क्यू के साथ भी आपको जो है नेटिवली डार्क मोड मिल रहा है, रियलमी क्या देगा? बिल्कुल माधव सेठ बोला है कि जितने भी डिवाइस है रियलमी के, मतलब खुश कर दिया यार ये बोल के कि जितने भी डिवाइस है रियलमी 1 से लेकर रियलमी 3 प्रो तक, अब तक का सारे के डिवाइस के अंदर में जो है आपको डार्क मोड का फीचर यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। ये बात करते हैं अगर अगले सवाल की, तो वो है यहाँ पे Realme 3 Pro को लेके, तो यहाँ पे बोलते हैं कि Realme 3 Pro के अंदर जो एक थीम स्टोर का अपडेट आने वाला है, उसके चलते क्या हम फॉन्ट को चेंज कर पाएंगे? तो यहाँ पे माधव सेठ ने बोला है कि हाँ बिल्कुल, जब भी Realme 3 Pro में आपको अपडेट मिल जाएगा थीम स्टोर का, उसके बाद जो है आप उस थीम स्टोर से Realme 3 Pro में फॉन्ट को भी चेंज कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की,
तो वो है यहाँ पर रियलमी थ्री को लेके, रियलमी थ्री नहीं, क्या रियलमी कैमरा वाले, तीन कैमरा वाले स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, मतलब पीछे जो होता है ना ट्रिपल कैमरा क्वाड कैमरा, क्या वो लॉन्च करेंगे रियलमी? तो यहाँ पर माधव ने बोला कि हाँ बिल्कुल, ट्रिपल कैमरा भी आएगा और क्या पता क्वाड कैमरा भी आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ट्विटर में जो है रियलमी ने कुछ दिन पहले ही जो एक ट्वीट किया था जहाँ पे 64 मेगापिक्सल कैमरा से लिया हुआ एक फ़ोटो था जहाँ पे क्वाड कैमरा भी ऐसा दिखाई दे रहा था। तो हाँ बिल्कुल, आपको जो है ट्रिपल नहीं क्वाड कैमरे के साथ में एक फ़ोन मिलेगा रियलमी की तरफ से। और रियलमी ने ऐसा भी कहा है जो फ़ोन आएगा ना मतलब काफ़ी एग्रेसिव प्राइस को भी लेकर आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, जब भी आएगा मैं आपको ज़रूर से उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, तो वही यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम फीचर को लेके, तो क्या जो ये फीचर है स्क्रीन ऑन टाइम, क्या ये रियलमी के डिवाइस पर आएगा? माधव ने बोला कि हाँ बिल्कुल, क्वाड थ्री मतलब कि सितंबर के महीने पर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो है यहाँ पे रियलमी के कलर्स को लेके, जहाँ पे सवाल ऐसा है कि जो रियलमी के फ़ोन्स आते हैं उसमें यह रेड कलर मिसिंग होता है, हमेशा रियलमी ब्लू या फिर ब्लैक या फिर पता नहीं क्या गया, लेकिन रेड कलर है ना, जो रेड कलर होता है वो यहाँ पे मिसिंग रहता है, तो ऐसा क्यों है? तो माधव सिंह ने बोला कि हाँ बिल्कुल ऐसा मिसिंग होता है, लेकिन रियलमी वन पे अगर आपको याद हो तो उस फ़ोन पे जो है आपको रेड कलर डिज़ाइन मिलता था क्लासिक बैक के साथ में। तो यहाँ पे माधव ने बोला कि बिल्कुल आगे जो है आपको जो डिवाइस मिलेंगे उनके अंदर भी आपको जो एक रेड कलर का वेरिएंट मिलेगा डायमंड कट बैक के साथ में, तो काफ़ी अच्छा लगा ये भी सुन के। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे वूक चार्जर को लेके, जहाँ पे रियलमी 3 प्रो के साथ अभी फिलहाल ये ऑफिशियल ओरिजिनल वूक चार्जर मिल रहा है और साथ में केबल भी मिल रहा है बॉक्स के अंदर। तो मान लो कि किसी का चार्जर टूट गया या फिर केबल मतलब ऐसे तोड़ दिया किसी ने, मतलब चार्जर खो गया, तो फिर वो क्या करेंगे? बाहर पे ये जो है अवेलेबल है क्या नहीं है? तो यहाँ पे माधव सिंह बोलते हैं कि अभी तो फिलहाल जो है ये वूक चार्जर बाहर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद से जो ये VOOC मतलब वूक चार्जर और उसका जो डेटा केबल है वो यहाँ पे बाहर जो है अवेलेबल हो जाएगा और सभी जो है यूज़र्स जाके उसको ले पाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करते लास्ट सवाल की, तो वो है यहाँ पर रियलमी के टैबलेट्स को लेके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है कि रियलमी क्या आगे अपने टैबलेट्स और पैड्स वगैरह लॉन्च करेंगे, मतलब जैसे होता है ना एप्पल का आईपैड या फिर सैमसंग के टैबलेट्स, तो वैसे ही रियलमी के यार टैबलेट्स को लेके आएंगे? तो सीधी बात यार नहीं लेके आएंगे। माधव ने खुद भी बोला है कि अभी फ़िलहाल जो है माधव सेठ स्मार्टफोन्स के ऊपर और एक्सेसरीज के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि टैबलेट्स पर। अगर आप देखोगे इंडिया में तो यार एंड्रॉयड टैबलेट्स कोई लेता भी नहीं है, सभी के सभी जो है फ़ोन्स पे जाते हैं। सैमसंग जो है वही एक ब्रांड है जिसका टैबलेट यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलर है, और बाकी लोग तो यार एप्पल के ही टैबलेट लेते हैं, आईपैड जो होता है उसको ही लेते हैं। तो यहाँ पे रियलमी जो है टैबलेट्स को लॉन्च नहीं करेगा। यहाँ पे यही थे सारे के सारे सवाल जो कि आज का एपिसोड 7 पे आया था, और मैंने जो है आपको सारे के सारे सवाल बता दिया। अगर आपको ऑफिशियल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। और बस अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नया गया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस बेल वाले आइकॉन पर दबा के ऑल वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर देना, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो चुका है अभी। और बस क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और ये आस्क मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन यहीं पे देखने को मिलता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और हमेशा स्मार्ट रहिए।